आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ, मैं हूं नासिर अली। यहां कांग्रेस हेड ऑफिस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेड ऑफिस शहीदी चौक जम्मू में आज राष्ट्र बजरंग दल ने जो है वो एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है। आपको बता दें कि राकेश बजरंगी ये जो यहां पर प्रोटेस्ट है उसको लीड, आपको बताते जाएँ कि कांग्रेस ने एक बयान दिया था कि अपनी सरकार आने पर वो राष्ट्र बजरंग दल को बैन कर देंगे, और जिसमें उन्होंने भगवा झंडे को भी जो है वो आतंकवाद के साथ जोड़ने का भी जो है वो एक बयान जारी किया हुआ था। उसी को लेकर के आज यहाँ शहीदी चौक जम्मू में जो है वो बजरंग दल भड़का हुआ है, और यहाँ कांग्रेस ऑफिस की तरफ जो है वो प्रोटेस्ट मार्च करने की जो है वो कोशिश की गई, जिसे बाद में पुलिस ने जो है वो रोक दिया। लेकिन अलबत्त प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। क्या कुछ कहते हैं इसमें, आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। राहुल गांधी आए हैं, देश के कट्टर गोली मारा साला।
सड़कों पर। कांग्रेस पार्टी आए आए हाय 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 कांग्रेस पार्टी आए आए हाय 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जय करा वीर आज तक किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं रहा और पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है जो हमेशा देश के खिलाफ युद्ध करना और कई गैर कानूनी गतिविधियों में जो है वो शामिल है और उसके ऊपर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और उस संगठन के साथ हिंदू संगठनों की तुलना करना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में हम कांग्रेस से ये कहना चाहते हैं कि इनके जो मैनिफेस्टो बनाने वाले नेता हैं उनका मानसिक संतुलन खराब है, उनका मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। लगातार हिंदू विरोधी गतिविधियों में ये रहे हैं, हमेशा इनका हाथ कांग्रेस का हाथ चाइना के साथ, कांग्रेस का हाथ चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और इनका हाथ जो है उग्रवादियों के साथ रहा है। यासीन मलिक की फोटो जो है पीएमओ में जो है मनमोहन के साथ सामने नजर आ रही है और ये लोग कहते हैं कि मंदिरों के अंदर लोग जो है वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, भगवा को ये आतंकवाद कहते हैं और बाद में जिनाऊ पहन के टीके पहन लगाकर ये हिंदू समाज को रिझाने का काम करते हैं। कांग्रेस के द्वारा कहा गया बजरंग दल को भी प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। ठीक है, जो शिव कुमार है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में आए तो बजरंग बली के मंदिर बनाएंगे। जो जो नेता इस मैनिफेस्टो को बनाने वाले हैं वो 10 जन्म ले लें तब भी बजरंग दल को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि बजरंग दल चाहे बजरंग दल हो या कोई भी हिंदू संगठन हो, किसी के ऊपर आज तक देश के अंदर गैर कानूनी गतिविधि में कोई भी शामिल नहीं रहा, देश विरोधी गतिविधि में कोई आज तक शामिल नहीं रहा, कोई भी किसी प्रकार की भी कोई अभी तक FIR हिंदू संगठनों के ऊपर नहीं है कि देश के खिलाफ कोई कार्रवाई गलत काम करना, तो किस प्रकार से करेंगे। और जिस संगठन की ये तुलना कर रहे हैं PFI, अरे वो तो किस प्रकार से सभी को मालूम है, पूरे देश के अंदर मालूम है कि वो कौन सी गतिविधियों में शामिल है, वो पाकिस्तान से उनको फंडिंग आती है तो वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कर रहा है यार। बिल्कुल, वो एक समुदाय के संगठित कर इकट्ठा कर वोट पाना चाहता है और हिंदू को प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि सदियों से हिंदू जो है इस टेररिज्म से प्रताड़ित रहा है, सदियों से ये तो इतिहास है और हिंदू ही प्रताड़ित हुआ है, तो इसलिए इस कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो से ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अनस्था पूरे देश के अंदर, अब कर्नाटका की बात नहीं रही, पूरे देश के लिए मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि पूरे देश के अंदर इनको इसका इल्ज़ाम जो है उतना माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस पर। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्होंने हिंदू समाज को टारगेट किया है, ये हिंदू संगठन जो है ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिंदू समाज इनके ऊपर विश्वास जताता है। पर अकील जी, थोड़ी नीतियां।